मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सदाचार राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, यथार्थवादी उपागम का अध्ययन करेंगे। यथार्थवादी उपागम के संदर्भ में हम पहले पढ़े हुए आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया का परिणाम के रूप में देख सकते हैं। 18वीं-19वीं शताब्दी में यथार्थवादी उपागम की चर्चा हुई, जिसमें मैकियावली ने विशेष रूप से हम समुच्चय दर्शन का चिंतन का आधारशिला मान सकते हैं। और मैकियावली ने सर्वप्रथम यथार्थवादी चिंतन की आधारशिला प्रस्तुत की। इसके पश्चात जॉर्ज कैनन, रायनाल्ड रेबुन नेबुर, जॉर्ज सावर्जनबर्गर, डॉक्टर हेनरी किसिंगर तथा हैंस जे मार्गंथव आदि विद्वानों का प्रमुख योगदान रहा। यानी मार्गंथव के शब्दों में हम कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंधों की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का वह अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, शक्ति सदैव तत्कालीन उद्देश्य रखती है। हैंस जे मार्गंथव के जो इस सिद्धांत में हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो बिंदु माना, केंद्र बिंदु माना, वो हित है, यानी जिसकी व्याख्या शक्ति के रूप में की गई है। इस सिद्धांत के यथार्थवादी या शक्ति सिद्धांत संबंधी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये राष्ट्र हित पर बल देता है और राष्ट्र हित की प्राप्ति वर्दी शक्ति द्वारा ही संभव है। यथार्थवादी सिद्धांत के मूल में यह मान्यता नहीं था कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। यथार्थवादी इस सिद्धांत विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, ना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकस्मिक घटना के रूप में। यथार्थवादी का अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूरा करने का एकमात्र माध्यम है। प्रत्येक राज्य सत्ता शक्ति के विकास के द्वारा ही अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है। शक्ति और हित के आधार पर राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। अतः विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्र हित के आधार पर ही दिए जाने चाहिए। मार्गंथव ने इस संदर्भ में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तत्कालिक उद्देश्य रखती है। हैंस मार्गंथव ने यथार्थवादी राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मानव प्रकृति पर आधारित विवेक सम्मत अनुभव युक्त तार्किक सार से पुष्ट सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व स्थान दिया है कि शक्ति की राजनीति सर्वप्रथम है। मार्गंथव ने इस संदर्भ में कहा है कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ प्रकृति में होती है। मनुष्य जिन नियमों के अनुसार संसार में क्रियाकलाप करता है, वे सार्वभौम, और ये नियम हमारी नैतिक मान्यताओं से हमेशा अछूत रहते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मानव प्रकृति पर आधारित विवेक सम्मत अनुभव युक्त तार्किक सार से पुष्ट सिद्धांत है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित को प्रधानता, यानी राष्ट्र हित की प्रधानता दिए, और राष्ट्र हित की प्रधानता में विशेष रूप से मार्गंथव ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का दूसरा प्रमुख तत्व तो राष्ट्र हित का प्रधानता है। मार्गंथव ने राष्ट्र हित को शक्ति कहकर पुकारा है। मार्गंथव का मत है कि शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों, राष्ट्र हित का विचार ही वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है। हित सदैव परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय है। यथार्थवाद का ध्येय शक्ति संपादन है, पर वह अपने को सदा के लिए इन अर्थों में सीमित नहीं रखना चाहता। मार्गंथव का मत है कि यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूल तत्व तो शाश्वत है, तथापि परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए एक सफल राजनेता के लिए अति आवश्यक है कि वह मूल तत्वों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का निरंतर प्रयास करता रहे। अर्थात हम कह सकते हैं शक्ति सिद्धांत को लागू करते समय कुछ हेर फेर या गलती ना कर लेना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। नैतिक आदर्शों के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, जो हम चौथा कह सकते हैं, जिसमें कहता है मार्गंथव, नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांत राज्यों को ज्यों के त्यों लागू नहीं किए जा सकते, अपितु उन्हें समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित करते रहना करना पड़ता है।
यानी कि आग्रह करता है नैतिक सिद्धांतों का पालन विवेक और संभावित परिणामों के आधार पर करना चाहिए। विवेक की राजनीतिक उच्चतम मूल्य मानता है। विश्व व राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियमों से भिन्न है ये, यानी कि पृथक पृथक होते हैं और राष्ट्र राज्य शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही अपने कार्यों को औचित्य सिद्ध करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में की स्वायत्ता है इसमें, यानी बौद्धिक दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्ता का समर्थन करता है राजनीतिक यथार्थवादी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति कानूनी नैतिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय केवल राजनीतिक मापदंडों को ही मान्यता देता है, क्योंकि ऐसा न करने पर राजनीतिक स्वायत्ता स्वयं नष्ट हो जाती है, होने का भय रहता है। यथार्थवाद उन सभी विचारधाराओं का विरोधी है जो राजनीतिक विषयों पर गैर राजनीतिक नियमों को जबरन थोपने का प्रयत्न करता है। आलोचना में हम ये कह सकते हैं कि ये हम समालोचना करें तो यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को सैद्धांतिक और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है। यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आदर्शवादी कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्त दिलाई है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम है तथा विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद दृष्टिकोण शक्ति और सत्ता का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णायक तत्व मानता है, जबकि सच्चाई यह है कि सत्ता और शक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। यथार्थवादी विचारधारा में कई असंगतियां हैं। शक्ति अथवा सत्ता की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि राज्य की समस्त शक्ति कितनी है, क्या है, यह नापना अत्यंत जटिल है, क्योंकि वह कई क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। एक राजनीतिज्ञ केवल सत्ता का प्रतिद्वंदिता से ही संचालित नहीं होता है, वरन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग का भी अपने विशिष्ट महत्व रखता है। प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोगी प्रवृत्तियों का भी विशेष महत्व होता है। यथार्थवादी शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में साधनों और उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। यथार्थवादियों का ध्येय राष्ट्र शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता था, इसलिए उनकी नीतियां शांति विरोधी समझी जाने लगी है। यानी हम कह सकते हैं कि यथार्थवादी एक पक्षीय है, वैज्ञानिकता का अभाव है, सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है, परस्पर विरोधी विचारधारा है, विचार है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अपूर्ण सिद्धांत भी है, जैसे हाफमैन और स्प्राउट ने माना। मानवीय प्रकृति नीति कुशलता संबंधी विचारों की आलोचना करता है। राष्ट्रीय हितों की धारणा स्पष्ट है। अतिशयोक्ति भी है, गैर राजनीतिक कार्यों को शक्ति में शामिल करता है, जैसे मार्टिन कैप्लान कहता है। नैतिकता विहीन भी है, फिर भी यथार्थवादी विचारधारा का महत्व अपने स्थान पर है। यथार्थवादी का महत्व ये है कि आदर्शपरक और नियम निकाय परक उपागमों को मध्य की कड़ी है, जैसे महेंद्र कुमार ने लिखा है कि मार्गंथाओ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विषय को आदर्शवाद से हटाकर निकाय परक दृष्टिकोण तक लाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। विषय को वैज्ञानिकता प्रदान करने में योगदान रहा है, यानी कि वैज्ञानिकता प्रदान करने में मार्गंथाओ का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और मार्गदर्शक की भूमिका भी अदा की है। अतः हम निस्संदेह कह सकते हैं कि मार्गंथाओ का यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज इतना ही, धन्यवाद।